नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट किया है। बिहार के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गया, नालंदा, नवादा, जमुई और मुंगेर शामिल है। इन सभी जिलों में तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ये भी कहा गया है कि थंडरस्टॉर्म भी, यानी कि आसमानी बिजली का प्रकोप भी देखा जा सकता है। बिहार के कई इलाकों में आसमानी बिजली का प्रकोप देखा जा रहा है। खुद पटना में भी एक वृद्ध महिला की मौत हो गई आसमानी बिजली गिरने से। और इस बीच मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में बताया गया है कि तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश होगी। ये अलर्ट 5 जिलों के लिए जारी किया गया, जिसमें गया, नालंदा, नवादा, जमुई और मुंगेर शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार के कई इलाकों में अभी से बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जो सूखाग्रस्त सरकार उनको मान रही है। लेकिन इस बीच अगर बारिश होती है तो इसका सीधा फायदा किसानों को ही मिल रहा है, क्योंकि जो ज़मीन सूखी थी, जो ज़मीन पानी के लिए तरस चुकी थी, उस ज़मीन पर बारिश की बूंदें काफ़ी अच्छा महसूस करा रही हैं किसानों को। लेकर के बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तटबंध टूट गया है और बागमती नदी का पानी कई गाँव में एंटर कर चुका है, तो बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार उत्तर बिहार में हो रही तेज़ बारिश के बाद से कोसी नदी, जो सीमांचल का एरिया है, जो कोसी नदी है उसके आसपास के जो गांव हैं उनको खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कोसी नदी का जो जल स्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है और उत्तर बिहार में भी खूब बारिश हो रही है। मानसून का जो लगातार इफेक्ट है वो बिहार में जारी है, जिससे कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों का डर है कि कहीं कोसी अपनी कहर से लोगों को फिर से प्रभावित ना करें, क्योंकि हर साल तकरीबन अमूमन ऐसे ही हालात होते हैं कि कोसी क्षेत्र के सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं, बाढ़ से जूझ रहे होते हैं। सरकार प्रबंधन का दावा करती है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बगहा की बात कर लें तो वहाँ पर बूढ़ी गंडक की जो नदी है, वो लगातार उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ कई गाँव पर बाढ़ की आशंका मंडरा रही है, खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है कि आप ऊँचे स्थानों पर जा करके आप वहां पे शिविर लें और वहां पर जाकर के अपनी जान बचाएं अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो। अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच एक बार फिर से पटना के मौसम विभाग केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नालंदा, नवादा, गया, जमुई और मुंगेर शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आप भी सावधान रहिए, क्योंकि बिहार के नवादा जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है आसमानी बिजली गिरने से। पटना के भी कई इलाकों में इस तरह के हालात देखने को मिले। पटना में एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई बिजली गिरने से। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है, आसमानी बिजली गिर सकती है, तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है। तो एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ खतरे की चेतावनी भी है, सावधान भी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लाइव सिटीज भी आपको कह रहा है कि अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और मौसम का मजा लेते रहिए। आप लाइव सिटीज साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज.in पर जाएं। धन्यवाद।